झुंझुनू में आज जबरदस्त बारिश के बाद कई जगहों पर पानी जमा हो गया। इसी क्रम में घुडा गोड़जी उदयपुरवाटी रोड पर भी टोडी के पास सीमेंटेड सड़क पर पानी जमा हो गया। दरअसल इस रोड को बनाते समय यहां पर गड्ढा छोड़ दिया गया था, जिससे कुछ दूरी पर 5-7 फुट तक पानी भर जाता है। आज सुबह भी जब पानी जमा हुआ तो ग्रामीणों ने इसी पानी में खाद डाली और बारिश में ही छाता तान कर धरना शुरू कर दिया और रोड को जाम कर दिया। जाम की सूचना पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस को भी ग्रामीणों से बातचीत करने के लिए पानी के बीच आना पड़ा और समझाई से ग्रामीण नहीं माने। इसके बाद मौके पर विधायक राजेंद्र सिंह गुड्डा के भाई संजय सिंह भी पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से बातचीत कर समस्या समाधान की बात कही और कहा कि जब तक समाधान नहीं होगा वे भी ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें कि यह सड़क करीब 10 साल पहले बनी थी, तब से यह समस्या लगातार है, लेकिन आज ग्रामीणों ने एक अनूठा प्रदर्शन किया और यह प्रदर्शन अभी भी जारी है। संजय रेड्डी रास्ते से पानी पूरा रास्ता अवरुद्ध पड़ा है, पूरा रास्ता पानी से भरा पड़ा। पब्लिक कहाँ से आएगी, कहाँ से निकलेगी? मैंने कलेक्टर साहब को भी अवगत करा दिया है। पूरा पूरा गुड़ा गुड़ा भाई सारे पानी के अंदर बैठे, तार में डाल डालते। जब तक कोई व्यवस्था नहीं हो जाती है यहाँ पानी निकालने की, मैं उनके साथ हूँ। लोगों के घरों में समिति प्रशासन में आज भेजा जाए और इस पानी को निकालने की उचित व्यवस्था हो, तब हम लोग उठे नहीं। धरना तो पानी के अंदर ही चलेगा।